सिंह सो रहे हैं तो महाराजा हरि सिंह जी के कारण ही है। और महाराजा हरि सिंह जी के छुट्टी के विषय को लेकर काउंसिल में ये विषय आया था और काउंसिल में विषय जो था वो पारित भी हुआ था। इस पे एक सरकार की तरफ से एक विस्तृत रूप से आर्डर निकलना है, चाहे वो असेंबली के माध्यम से भी जो है वो पॉसिबल हो सकता है या एक इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत छुट्टी की जो बात है, छुट्टी के लिए अलग से एक एक्ट बना होता है, सरकार जो है इस पे आर्डर इशू कर सकती है। और मेरा मानना है कि ऐसा इंसान जिनके कारण आज हम भारत का हिस्सा बने हैं और महाराज जो थे अपने आप में एक मिसाल थे, उनके जन्मदिन पर छुट्टी डेफिनेटली घोषित होनी चाहिए। हम लोग सरकार से भी मांग करते हैं, हालांकि हम लोग, मैं खुद विधायक होने के नाते भी, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते भी हम लोग सरकार का हिस्सा हैं, लेकिन किसी लेवल पर इसको कैबिनेट में पारित करना है या कैबिनेट में डिसीजन लेकर सरकार द्वारा इस विषय पे छुट्टी की घोषणा होनी है। मेरा मानना है कि इस दिन पे छुट्टी अवश्य होनी चाहिए। सर, लोगों में काफ़ी रोष है कि भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही मांग रही है कि राजा हरि सिंह के जन्मदिन पर छुट्टी होनी चाहिए। सर, इतना समय क्यों लग रहा है सर अभी? ऐसा है कि काउंसिल में भारतीय जनता पार्टी के अजात शत्रु जी, रमेश अरोड़ा जी और अशोक जूरिया जी, बाकी सभी टीम ने मिलकर ही इस विषय को वहाँ पे उठाया था। लगातार से हम लोग इस विषय को उठाकर, और जैसे मैंने आपको कहा कि पारित भी हुआ है, डेफिनेटली सरकार भी कोशिश इस विषय में करेगी, भारतीय जनता पार्टी भी इस विषय में कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन के ऊपर छुट्टी घोषित की।